हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जिसे खाने के बाद ना आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। ये नाश्ता बहुत ही कम समय में सिंपल तरीके से झटपट बन के तैयार हो जाता है और इसे हम बनाएंगे गेहूं के आटा से, वो भी एक छोटा चम्मच तेल में। ये नाश्ता गर्मी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो देर किस बात की, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 कप गेहूं के आटा। जिस आटा से रोटी बनाते हैं ना, वही वाला ये आटा है। आप इसे ग्राम में वजन करेंगे ना तो ये 200 ग्राम जितना होगा। और इसी के साथ इसमें हम डाल दिए हैं 2 चम्मच सूजी। आप चाहे तो बिना सूजी के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन सूजी डालने से नाश्ता के टेस्ट भी बढ़ जाता है और नाश्ता क्रिस्पी भी बनता है। और इसी के साथ इसमें डाल दिए हैं स्वाद के अनुसार नमक, और आधा छोटा चम्मच इसमें ऐड कर दिए हैं कूटा हुआ लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दिए हैं। 1/4 छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिए हैं, और साथ में ही हम इसमें डाल दिए हैं 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला। और अब इसमें हम डाल लिए हैं 1 चम्मच तेल। तेल डालने से नाश्ता अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा और ऊपर से क्रिस्पी बनेगा। तो अब हम इन सभी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे, और यहाँ पर ना इस तरह से इसको हाथों से मिलाएंगे, क्योंकि अच्छे से तेल और मसाला इस आटे में मिक्स हो जाएगा तो नाश्ता का जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए, इसको अच्छे से हाथों से मिला लिए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी ना इसमें एक बार में नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि एक बार में पानी डालने से ना इस आटे में लम्स बनने लगेगा यानी कि गांठे गुठलियाँ बनने लगेगी। इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा और इसको मिलाते हुए इसका हम घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 कप आटा के लिए 1 कप पानी डाले हैं, और 2 चम्मच सूजी के लिए 4 चम्मच इसमें पानी डाले हैं, यानी कि टोटल 1 कप 4 चम्मच इसमें हम पानी डाले हैं। और ये देखिए, इसको मिलाते हुए इसका लम्स फ्री घोल बना लिए हैं, और घोल के कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, नहीं ज़्यादा पतला है और नहीं ज़्यादा गाढ़ा है। तो चलिए अब इसको रेस्ट पर रख देते हैं, ताकि इसमें सूजी और आटा डाले हैं ना वो अच्छे से फूल जाएगा। तब तक यहाँ पर हम ले लिए हैं हरी सब्जी। तो हरा सब्जी आप अपने पसंद के कोई सा भी ले लीजिएगा। यहाँ पर हम गाजर, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और 2 हरा मिर्च ले लिए हैं। तो सब्जी की मात्रा कम ही रखिएगा, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा सब्जी नहीं लेना है, सभी सब्जी में से थोड़ा थोड़ा करके ही लीजिएगा। और यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 चॉपर, और इस चॉपर में इस सब्जी को डालकर हम चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो इसको ना ग्रेटर से ग्रेट करके ले सकते हैं, या चाकू से बिल्कुल बारीक काट के ले सकते हैं। साथ में इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल लिए हैं, और अब इसका ढक्कन बंद करके इसको चॉप कर लेंगे। चॉपर से ना बहुत जल्दी चॉप हो जाता है और बिल्कुल बारीक चॉप होता है। तो ये देखिए, थोड़ी देर में चॉप हो गया है, और आपको मैं उठाकर दिखाती हूँ ढक्कन हटाकर। ये देखिए, बिल्कुल बारीक चॉप हुआ है। आपको चम्मच से उठाकर मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, तो चॉपर में क्या होता है ना, काम आसान हो जाता है और अच्छे से चॉप हो जाता है। तो यहाँ पर इसे चॉप कर लिए हैं। तो अब जो हम अभी घोल बना के रखे थे ना, उसमें इस सब्जी को डाल देंगे। तो आप ना इस तरह से बच्चों को ना नाश्ता बनाकर देंगे ना, तो बच्चों को हरा सब्जी भरपूर मात्रा में मिलेगा, और बच्चे बड़े प्यार से इसे खा भी लेंगे। ऐसे हरा सब्जी खाना बच्चा चाहता नहीं है। तो ये देखिए, इन सभी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सभी चीज़ एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और ये हमारा हेल्दी और टेस्टी सा घोल बनकर तैयार हो गया है। तो अब घोल को उठाकर एक बार आपको इसका कंसिस्टेंसी मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, घोल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए, नहीं ज़्यादा गाढ़ा नहीं ज़्यादा पतला। घोल हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो चलिए, इसको लेकर हम आ गए हैं गैस की तरफ, और यहाँ गैस पर हम एक पैन रखे हैं। आप पैन के जगह पर तवा भी ले सकते हैं, और पैन में हम इस तरह से अच्छे से तेल लगा लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा नाश्ता इस पैन में चिपकेगा नहीं, और दूसरा नाश्ता हमारा अच्छे से पकेगा और क्रिस्पी बनेगा। और यहाँ पर पैन को गर्म होते ही जो हम घोल बनाए थे उसमें से 1 करछी घोल लेंगे, और इस घोल को इस तरह से पैन के बीच में यानी कि सेंटर में इसको डालकर छोड़ देंगे। इसे फैलाना नहीं है, ये अपने आप अपना शेप ले लेगा। और अब इसको हम ढक देंगे, और ढक कर लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाएंगे, और आप देख सकते हैं ऊपर से बिल्कुल सूख गया है, ड्राई हो गया है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, ताकि इस साइड से भी अच्छे से पक जाएगा। तो अब
इसको हम पलट लेंगे और पलट कर इसको दूसरे साइड भी पकने देंगे। और आप देख सकते हैं इस साइड बहुत ही प्यारा सा इसमें गोल्डन कलर आ गया है। तो आप बिना ढके हुए दूसरे साइड भी इसको पका लेंगे। और ये देखिए इस दूसरे साइड भी बहुत ही अच्छे से पक गया है, यानी कि दोनों साइड इसमें गोल्डन कलर आ गया है, अच्छे से पक गया है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी सभी नाश्ता को हम बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए हमारा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।